सिर्फ नाम पे मचल जाओ यार, सिर्फ नाम पे मचलो, फातिमा का नाम सुनकर ही मचल जाओ। जिसके दिल में तेरी उल्फत वाकई है फातिमा। जिसके दिल में बसी है उसका मामला क्या है, जब अगला शेर आएगा तो मचल जाएंगे। जिसके दिल में तेरी उल्फत वाकई है फातिमा। अगला शेर अपने तक नहीं पहुंचेगा। जिसके दिल में तेरी उल्फत वाकई है फातिमा। क्या कर रहे हैं? आप भी तो बोले और जोर से कि जिसके दिल में तेरी उल्फत वाकई है फातिमा। बहुत अच्छा मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं। यहां से वहां तक सारे लोग अपने हाथों को पेशावे लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह कि जिसके दिल में तेरी उल्फत वाकई है फातिमा। उस पे वाजिब बाग जन्नत हो गई है फातिमा। उस पे वाजिब पाक जन्नत हो गई है फातिमा। सबसे बड़ा शेर आज तक पहुंचा रहा हूँ मैं, पढ़ के दिखाता हूँ। कोटवा में बसने वालों और दूर दराज से तशरीफ लाने वालों, आप सुन के बताना, अगर शेर अच्छा हो तो आपका ताली ताली। इस कबीले का सबसे बड़ा शेर, फातिमा का मकाम क्या है, फातिमा का मर्तबा क्या है, इस शेर से अंदाजा लगा ले। ऐ हिल्ल महशर, ऐ हिल्ल महशर, अहिल महेशर से कहेगा कल खुदा ये हश्र में। कोटवा वालों बहुत बड़ा शेर आज तक पहुंचा दे रहा हूं, लेकिन आजम भाई भी तशरीफ लाए, आजम भाई गांव का तालीम समाप्त करेंगे। अहिल महेशर से कहेगा
कल खुदा ये हश्र में अहल महशर से कहेगा, अहल महशर से कहेगा कल खुदा ये हश्र में, अहल महशर से अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। अपनी नजरों अहल महशर से कहेगा कल खुदा ये हश्र में, अहल महशर से अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। और एक शेर सुने और तड़प जाए। अच्छा ये बता दें कि क्या हज़रत फातिमा के पास औलाद नहीं थी? मैंने सवाल किया आपसे, हज़रत फातिमा के पास औलाद थी या नहीं? वो भी ऐसी औलाद जिसका कोई जवाब ही नहीं, कोई जवाब नहीं। तो क्या फातिमा ने कहा कि मेरे पास औलाद है, बच्चे छोटे हैं, मैं क्या करूं, ये काम नहीं कर पाती, नमाज नहीं पढ़ पाती, ऐसा कहा था? मेरी माँ बहनों, शेर सुन लो, उसी फातिमा की तुम गुलाम हो। आज तुम बहाने करती हो मेरे पास बच्चा है, क्या करें, नापाक हो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते। उसी फातिमा की कनीज हो तुम, उस फातिमा की इबादत का आलम देखें अब। एक ही सजदे में तेरे, कुटवा वालों जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, एक ही सजदे में तेरे रात हो जाती तमाम। क्या शेर कर रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, एक ही सजदे में तेरे, एक ही सजदे में तेरे रात हो जाती तमाम, एक ही सजदे मरहबा क्या खूब तेरी बंदगी है फातिमा, मरहबा क्या खूब तेरी बंदगी है फातिमा।
नारा वहां से बुलंद हो रहा था, फिर से बुलंद होना चाहिए। कोई शख्स नारा लगा रहा था, खड़े होकर के फिर से नारा लगाया। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अब एक शेर और सुन ले, सुनेंगे। हम नबी के आशिक हैं, नबी के सहदाई हैं, नबी के दीवाने हैं। हमारा ईमान क्या है, हमारा अकीदा क्या है? आला हजरत का वो शेर कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है हैदर नूर तेरा सब बड़ा। और ये शेर सुने, हम अली के, हम नबी के, हम अली के, हम नबी के, हम अली के, हम नबी के, हम नबी के चाहने वालों का ये ईमान है। और जिनका ईमान है, जिनका अकीदा है, कि कोई खामोश नहीं बैठेगा कि हम नबी के, हम अली के, हम नबी के चाहने वालों का ये ईमान है। हम नबी के चाहने याद कर ले आप कि हम नबी के लोग का ये ईमान है। क्या तेरे घर का, 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 तेरे घर का बच्चा बच्चा तो वली है खानदाने मुस्तफा उर्से मुकद्दर फैजाने हजरत बलखी शाह रहमतुल्लाह अलैह। बच्चा बच्चा तो वली है फातिमा, तेरे घर का बच्चा बच्चा तो वली है फातिमा, तेरे घर का बच्चा बच्चा तो वली है फातिमा। सुन्नी गरीब मुसलमानों, रब की बारगाह में शिकायत ना किया करो कि अल्लाह तूने मुझे गरीब बनाया है। अरे शुक्र अदा किया करो, ये गरीबी अगर मिली भी है हमको तो कहां से मिली है? सुनो और खुश हो जाओ, जो जब से शिकायत करते हो ना परवरदिगार तूने तो मुझे गरीब बनाया है, ये बंद कर दो। लेकिन सोच लो, अगर ये गरीबी मिली भी है तो हमें कहां से मिली है? अब मैं कहता हूं, इसलिए अपनी गरीबी, अगर सच्चा शेर हो तो दुआओं का ताली लगेंगे बड़े बड़े। इसलिए अपनी गरीबी पे बहुत नाज़ा हूं मैं। जो बहुत बड़ा अमीर होगा उसका मुंह तो एकदम लटका रहेगा, लेकिन जो गरीब होगा इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो तो खुश हो जाएगा शेर को सुनने के बाद। इसलिए अपनी गरीबी, इसलिए अपनी गरीबी पे बहुत नाज़ा हूं मैं, इसलिए अपनी गरीबी तेरे घर से, तेरे घर से होके ही गुरबत चली है फातिमा।
हो के ही बुरे बट चली है फातिमा तेरे घर से, हो के ही बुरे बट चली है फातिमा। हम चाहेंगे इस शेर का आप फिर से इस्तकबाल करें। बहुत बड़ा शेर है जनाबे शाकिर साहब, यकीनन बड़ी अच्छी फिक्र दिया है उन्होंने। हाथ उठा के इस्तकबाल कीजिएगा। कसम खुदा की खुदी का है जिन्हें नशा वो सोना ढूंढ लेते हैं, खुदा वाले कहीं खाकी बिछौना ढूंढ लेते हैं। मुसलसल फातिमा के घर में जब चूल्हा नहीं जलता, अली मुश्किल कुशा मस्जिद का कोना ढूंढ लेते हैं। हाथ उठा के इस्तकबाल कीजिए। नारे नारे लेकिन बहुत अच्छा शेर, बहुत बड़ा शेर आपने समाप्त किया बड़ी मोहब्बतों से। फिर हुक्म हो रहा है, मैं इस शेर को फिर पढ़ता हूँ। अगर जहमत ना हो तो जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। अब मोहब्बत के साथ फिर ये शेर सुन ले, और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। इसलिए अपनी गरीबे, इसलिए अपनी गरीबे, बे बहुत नाजा हूं मैं। इसलिए अपनी गरीबी बे बहुत नाजा हूं मैं, इसलिए अपनी तेरे घर से हो के ही गुर बट चली है फातिमा।